नमस्कार, मैं हूं अमितोज। आज हम क्विक रिव्यू ले लेते हैं यूक्रेन और रशिया के कॉन्फ्लिक्ट का। इसमें ज्योग्राफिकल बेसिक ये है, मेरे पास गूगल अर्थ ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, बहुत बेसिक सा। तो देखिए, यूरोप में ही है इसका जो लेना देना है, इसमें जो इम्पैक्ट है मेनली। तो अगर इसमें हम देखें तो जब नेपोलियन की वॉर थी तो वो यहाँ से स्टार्ट हुई थी, पेरिस से, और बेसिकली वो लंदन की तरफ ही जाना चाह रहा था, जहाँ पे लंदन की नेवी ने उसको रोक दिया यहाँ। और लंदन ने किसी तरह से उससे डील किया, गोल्ड दिया, क्या दिया, उसका अटेंशन शिफ्ट कर दिया जो माना जाता है ईस्ट की तरफ। तो ईस्ट में वो लड़ता रहा यहाँ पे, और फिर स्पेन की तरफ भी गया। तो ये देखिए, लड़ता लड़ता वो घोड़ा गाड़ी पे ये मॉस्को तक आ गया, जो कि उस जमाने में लगभग 2500 किलोमीटर पड़ गया। ये सब घोड़ा गाड़ी पे। और उसके बाद 100 साल बाद जो है हिटलर चला बर्लिन से, जिसने आसपास थोड़ी लड़ाई की शुरू में, फिर यहाँ जीता और फ्रांस पे हमला किया, यहाँ से ड्राइव आउट किया फ्रेंच और ब्रिटिश आर्मीज को जो ज्वाइंटली थी, और फ्रांस को सरेंडर कराया, और इस पे हुआ और बैटल ऑफ लंदन हुई, जिसमें बहुत हवाई हमले हुए, बहुत नुकसान हुआ। और फिर जब वो उसको नहीं हरा पाया, उसको लगा वीक हो गया, उसने फिर यहाँ पे ईस्ट की तरफ अटेंशन शिफ्ट की और मैकेनाइज यूनिट्स में, जिसे ब्लिट्सक्रीग कहते थे उस जमाने में, घोड़ा गाड़ी से बहुत तेज हो गया मामला। और ये चलते चलते सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचे, जो कि बर्लिन से 1300 किलोमीटर है, और मॉस्को पहुंच गए, जो 1600 किलोमीटर के लगभग है, उससे ज़्यादा है। और ये है यहाँ पे वी शेप में वोल्गा रिवर पे, जो कि 2200 किलोमीटर से ज़्यादा है। तो ये हिटलर का स्पीड और जो एरिया ऑफ कवरेज रहा पूरा। अब ये जो है नेटो है, ये वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज का एक अलायंस है, जिसमें बहुत कंट्रीज आ चुके हैं, जिसमें यूएसए मेन है, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड फ्रांस और जर्मनी और बेल्जियम, पोलैंड, ये सब कंट्रीज ज्वाइन हो चुके हैं अब। तो ये जो इनका अलायंस है बहुत बड़ा हो चुका है। तो जो बर्लिन में वर्ल्ड वार टू में मॉस्को ने हराया, तो मॉस्को से उसको हराते 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 देखिए बर्लिन तक पहुंच गया। तो ये सारा एरिया लगभग रशिया के पास था, ये सब नीचे तक का, रोमानिया और ये सब, क्रोशिया, ये सब इसके तरफदार थे और इसी के थे। और ये तो बाद में 91 में अलग हुए हैं, तो ये तो उसी का पार्ट था सोवियत यूनियन का, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, ये सब उसी के पार्ट थे। तो अब ये देखिए, 91 में जब ये ब्रेक अवे हुआ वॉर्सो पैक्ट से, तो ये अलग हो गए और ये नेटो में है अब। अब ये जो है उसके टूटे हुए हैं, ये भी नेटो पे हो गए, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। अब जो है बेलारूस इसके पक्ष का है मॉस्को के, और यूक्रेन जो है वो जाना चाह रहा है इनसे, जिसके रहते ये लड़ाई हो गई। पर अब देखिए मॉस्को का क्या है कि जो वेस्टर्न अलायंस थे, इनके एग्रीमेंट थे 1941-45 में यूएसए सोवियत यूनियन अलायंस हुआ था, तो ये उनका दोनों इकट्ठे थे और यूनाइटेड किंगडम भी इनके साथ था, तो ये इनका बहुत ही जोरदार था। पर आज रशिया अकेला है, आज रशिया अकेला है। तो इसमें जब उनका अलायंस था तो लाखों व्हीकल्स दिए गए थे वर्ल्ड वार टू में इनको, उनके मैकेनाइज्ड यूनिट्स को हराने के लिए, जिनमें वो प्रोपेलर बेस्ड एरोप्लेन्स भी थे जर्मनी के, जिनसे लड़ाई लड़ी गई थी। तो आज उनके पास जेट हैं और कुछ और बेहतर एवियोनिक्स हैं, पर वो देखिए उतनी स्ट्रेंथ जो है वो नहीं आ पाएगी जब तक कि उसको ग्राउंड पे चाइना सपोर्ट ना करे। अगर डिप्लोमेटिकली सपोर्ट में है उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये लड़ाई एक दूसरे को खराब करने की हो जाएगी। तो इसको अगर हम अब आज में देखें तो मॉस्को के पास मुझे नहीं लगता उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है कि वो इतने यूनाइटेड यूरोप को वो इतने आगे तक जंग ले जाए कि यूरोप को इसमें, वेस्टर्न यूरोप को हरा पाए। तो उसमें अलायंस पार्टनर्स डिफरेंट है, अनटिल अनलेस चाइना अपने रिसोर्सेस इसमें कमिट कर देता है, तो उसको वहां से सपोर्ट मिलती है। डिप्लोमेटिक सपोर्ट से कुछ होगा नहीं, ग्राउंड सपोर्ट जब तक नहीं मिलती है तब तक वो इन पे हावी नहीं हो पाएगा। और जो आज की सिचुएशन है, थोड़ा उसको और क्लोजली एनालाइज कर लेते हैं, तो उसमें ये है कि ये कीव है, उसके पास बेस्ट चांस था कीव को घेरने का नॉर्थ से। तो नॉर्थ में देखिए ये येलो लाइंस हैं, वो रोड्स दिखाती हैं। तो ये जो वैसे अगर थोड़ी सी भी उनके पास पावर रहेगी तो सिटिंग डक्स हो जाएंगे, तो इससे पहले कि वो अपने को
वो संभाल पाए, इंटीग्रेट कर पाते, तो अगर ये देखें कि ये कीव है, कीव से ये येलो जो ट्रांसल्यूसेंट लाइन है, चमकती हुई हरी लाइन, ये बॉर्डर है। तो ये बेलारूस से आप देखिए 90 किलोमीटर बता रहा है, 90-93 किलोमीटर, तो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लें तो 125 के आसपास के किलोमीटर है। और ये जो है एक ये येलो जो लेन आ रही है, ये रोड है, और ये यहाँ पे रोड में इसका जो अब पता नहीं वो पुरानी तस्वीर है या अच्छे टाइम की है, जो 64 किलोमीटर का कॉलम बता रहे हैं वो इस तरफ से आ रहा है नॉर्थ वेस्ट से। और जो ये है चरनी हीव है, चरनी हीव ये 130 किलोमीटर है यहाँ से, और इसके आगे इस तरफ है जो रशियन बॉर्डर है, जो रशियन, इसको थोड़ा जूम आउट करके देखते हैं। अरे ये तो फ्रीज हो गया यहाँ, चलिए दूसरा देखते हैं कोई है तो। हाँ तो ये जो इसमें है आप देखेंगे चरनी हीव जो है, इसको 3D मॉडलिंग कर लेते हैं। अरे भैया रुक जाओ, यहां से देखिए ये 130 किलोमीटर के आसपास है, और ये चरनी हीव है, और ये फिर ये आगे ब्रेंस्क फ्रंट, ये ब्रेंस्क देखिए चरनी हीव पास में है, तो थोड़ा सा और आगे ले लीजिए, तो इसमें ये रशिया पहुंच जाता है। तो ईस्टर्न फ्रंट की तरफ देखें अगर, सूमी है ये, उसी का पार्ट है, तो 300 किलोमीटर है। इससे आगे लेंगे तो फिर ये 350-400 किलोमीटर का मामला पड़ जाता है। सूमी में मान लीजिए कि अगर मल्टी प्रॉन्ग अटैक है रशिया का और सूमी में फोर्सेस पहुंच चुकी हैं, तब भी 300 किलोमीटर है। और अगर यहाँ से लेते हैं और मान लीजिए कोई यूनिट्स थोड़े इंट्रूजनरी फोर्स के शुरू वाले यूनिट्स अगर पहुंच गए हैं बरोबरी तक, ये ईस्ट से या नॉर्थ ईस्ट से मान के चलिए, वहां से जो सड़क आ रही है, तो जो उसमें है अभी भी 20 किलोमीटर है ये। और जो इसमें है इरपिन की तरफ जहाँ पे होसनल ये एयरपोर्ट बता रहे हैं, ये होस्टोन मेल ये एयरपोर्ट है, ये देखिए ये एयरपोर्ट दिख रहा है, ये 28 किलोमीटर है, 27 किलोमीटर पर। यहाँ पे बहुत चैलेंज किया गया है जो भी यूनिट आया है उनका, रशियन यूनिट, जो शुरू वाली एक्सपीडिशनरी यूनिट्स आए होंगे कुछ यूनिट्स, अगर बड़ा कॉलम है तो मुझे मालूम नहीं, पर ये होस्टनेल और इनके यहाँ पे बहुत इसको चैलेंज दिया गया है। तो इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे ये बुका है, तो यहाँ होस्टनेल और उसके पीछे बुका, तो इसकी भी सोशल मीडिया पे लोगों ने काफ़ी वीडियोस और फोटोज़ भेजे हुए हैं, जो कि ये कीव से देखिए 24 किलोमीटर पे है। तो यहाँ पे उनके कुछ पहले वाले शुरुआती एक्सपेडिशनरी या इंट्रूजनरी फोर्स के कुछ आए होंगे यूनिट्स जो पहुँच पाए हैं, तो बेस्ट चांस इनका नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से ही था, या नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट से, मेनली नॉर्थ वेस्ट से। और नहीं तो अगर ये आप इस पे एम्फीबियस कर पाते हैं, कोई एम्फीबियस प्लेन्स हैं तो एरोप्लेन्स वगैरह जो एम्फीबियस लैंडिंग कर पाए, तो उसको रिवर फ्रंट को यूज कर सकते थे ये। आप ये देखिए अगर रिवर फ्रंट पे एनालिसिस करें तो ये उनका प्रेसिडेंशियल पैलेस वगैरह यहाँ पे है, तो इसमें अगर हम यहाँ से हटाएं और ये देखें तो ये एक स्ट्रेच है, ये देखिए इसमें ये पकड़ लीजिए, तो ये एक उनको 2.5 किलोमीटर का स्ट्रेच मिलता है। 2-2.5 किलोमीटर में अगर सीधा स्ट्रेच पकड़ें तो यहाँ पे अगर ये 2-3 प्लेन एम्फीबियस लैंडिंग कराते हैं, तो इसके यहाँ से चाहे मान लीजिए लैंड यहाँ पे लैंड हुआ है प्लेन और यहाँ तक आ गया है, तो यहाँ से देख लीजिए ये सारा एरिया 1.5-2 किलोमीटर में है। ये उनका कैथीड्रल है जो मेन दिखाते हैं, फिर ये मैदान आ जाता है यहाँ पे, ये देखिए ये फ्रीडम वाला है, तो यहाँ पे जो आपका मॉल भी है, तो ये वो एरिया है जहाँ से ये रिपोर्टिंग रिपोर्टर्स वगैरह बहुत रिपोर्ट करते हैं, और इस तरफ उनके प्रेसिडेंशियल पैलेसेस वगैरह हैं। तो ये सीधा 2-2 किलोमीटर की रेंज में है ये पूरा एरिया, तो अगर यहाँ से एम्फीबियस लैंडिंग रहती तो ये मामला सिर्फ 2 किलोमीटर का था, और यहाँ पे एक उनको एक फ्रंट और एक एंगेजमेंट मिल जाती यहाँ से 2 किलोमीटर पे एम्फीबियस लैंडिंग में। तो इस प्रकार से ये है,
पर देखिए, रशिया का हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ हो रहा है, जिसमें अगर आप पुराने मैप्स देखेंगे, ये एरिया कुर्स्क फ्रंट का है, जो बैटल ऑफ कुर्स्क जानते हैं, ऑपरेशन सीटाडेल जो जर्मन फोर्सेस के साथ 80 साल पहले हुआ था, वही है। मैंने एक मैप निकाल के देखा हुआ है, रखा हुआ है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये कुर्स्क का एरिया है, वो जो सुमी और जो हम बता रहे हैं सुमी के एरियाज हैं ये, ऊपर हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ वाला मामला थोड़ा सा लगता है। तो जो हिस्टोरियंस होंगे और जिनके मैप्स प्रिंट हुए होंगे दिमाग में, वो तो कहेंगे ही कि ये नियो नाजी वाला हिसाब हो रखा है और ये सब है। और ये इसमें हैरानी वाली बात ये भी है यूक्रेन में कि प्रेसिडेंट भी जो हैं वो ज्यू हैं, और भी कई लोग ज्यू हैं उसमें। तो वो क्या, वो किस तरह से उनका मानसिकता चल रही है कि पूरे क्रिश्चियन मुल्क में ज्यू हैं, और इस टाइम पे तो झगड़े वाली बात हो रखी है पूरी। तो ये खाराको का एरिया, सुमी का एरिया, ये देखिए कुर्स था मेनली फ्रंट, कुर्स। तो ये हिस्ट्री इट रिपीट्स इटसेल्फ हो गया। उस टाइम पे तो 6,000 टैंक्स थे दोनों साइड्स के मिला के, जिसमें बहुत नुकसान हुआ था। 2,500-3,000 टैंक्स तो खत्म हो गए थे, एक एक साइड के 2,000-2,000, तो 2,000 जर्मन टैंक्स होंगे जो बताया जाता है, शायद अगर मैं गलत नहीं कोट कर रहा था, तो 2,500 इनके टैंक्स थे, 3,000 टैंक्स वो भी खत्म हो गए थे। तो बिगेस्ट टैंक बैटल मानी जाती है इस फ्रंट पे जो हुई थी वर्ल्ड वॉर 2 की। पर उस टाइम पे US और UK और फ्रांस वगैरह, ये और वेस्टर्न यूरोप, इनके साथ था, इनके साथ अलायंस था। आज रशिया उस मामले में और ग्राउंड पे था, जहाँ पे लाखों व्हीकल्स दिए गए इनको और लैंड लीज एग्रीमेंट था, अलायंस था इनका, तो ग्राउंड पे उनकी सपोर्ट थी। इस टाइम पे चाइना की इनको हो सकता है डिप्लोमेटिक सपोर्ट हो, ग्राउंड पे वो सपोर्ट दिख नहीं रही कि उनके व्हीकल्स आ रखे हैं या उनके लोग आके लड़ रहे हैं। तो वो सपोर्ट आज की डेट में इस बैटल में तो है नहीं रशिया के पास। तो थोड़ा सा ये मैप मैं आपको पुराना दिखा देता हूँ। ये देखिए कुर्स है, ये वही फ्रंट है जिसमें है, ये देखो खाराकोव है इसमें, और ये सुमी रहा। तो ये हिस्ट्री रिपीट्स, ये कुर्क्स रहा, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। यहाँ पे आके मामला रुका था और यहाँ पे फिर जर्मन फोर्सेस को उन्होंने हरा दिया था, और जिसके बाद दोबारा जर्मन फोर्सेस खड़े होने लायक रह नहीं गई थी। पर उसके पार्ट, स्टोरी पार्ट ये भी है कि वेस्टर्न साइड पे वेस्टर्न फोर्सेस ने 1,000 बॉम्बर रेड्स और पूरी सिटी बॉम्ब्स किए हुए थे उनके, तो जिसके कारण इनकी जो है मल्टी फ्रंट अटैक हो रखा था। जर्मनी भी फोर्सेस हारी थी इसमें, रशिया का भी बहुत बड़ा हाथ था और वेस्टर्न फोर्सेस का भी बहुत बड़ा हाथ था। आज रशिया मेरे को तो अभी तक अकेला दिख रहा है। तो और आगे बढ़ते हुए अगर हम देखें ट्विटर्स में, तो ये उनका मेयर ऑफ बुका है, उसका एक वीडियो चल रहा है, ये अगर मैं आपको सुनाऊं। Спинили колону ворога, вулиця Вокзальна, місто Буча. Це результати їхнього вторгнення і роботи наших збройних сил. Звичайно, приватний сектор, який поруч, також отримав пошкодження. उसको उन्होंने कुछ उनके व्हीकल्स का नुकसान किया है रशियन के का, और ये दोबारा उसमें लहराया है। ये फिर बुका एरिया जो होस्टमेल एयरपोर्ट के आगे का है, उसके वीडियोस पिक्चर्स डाल रखे हैं। अभी सोशल मीडिया है कितना है, मैं तो मानूंगा कि ठीक ठाक ही होगा। तो जो क्योंकि इसकी टाइम स्टैम्पिंग भी ठीक चल रही है, 3 मार्च, और ये अब 4 घंटे पहले का बताया है, तो उस हिसाब से कुछ ना कुछ नुकसान तो हुआ है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से अनस्कैथ्ड है। तो कुछ पुराने भी हो सकते हैं वीडियोस, कुछ कहा नहीं जा सकता, पर ये जो है सोशल मीडिया पे ये चल रहा है। और ये ब्रोवरी एरिया की तरफ है, कोई एक्सपेडिशनरी फोर्स होगी तो ये उसमें सोशल मीडिया में एंटर कर रखे हैं, उनके भी थोड़ा डैमेज दिखा रखा है कि रशियन फोर्सेस का यहाँ हो रखा है। अब नाइप्रो में भी, ये नाइप्रो तक आने में तो टाइम लगेगा मुझे लग रहा है, जिस तरह से चल रही है। तो बहुत हैवी एयर रेड्स नहीं हुए हैं, सिलेक्टिव हैं, क्रूज मिसाइल्स फेंकी हैं उन्होंने। तो इस तरह से देखिए ये वो दिखा ही रहे हैं कि क्या है, और कुछ उन्होंने वीडियोस डाल रखे हैं जिसमें ये सोल्जर फायर्ड जो रहती हैं। तो ये इस तरह से उनके निप्रो पे भी, ये जो भी इन्होंने रेजिस्टेंस फोर्सेस बना रखी हैं, RPG-7 और ये सब शोल्डर फायर्ड वेपन्स हैं इनके पास, तो इस तरीके से है। तो ये जो प्रोग्रेस मैप्स हैं वो दिखा रहे हैं किस तरह से मल्टी प्रॉन्ग्ड है इसमें।
लेट्स मूव बैक कि थोड़ा उसमें मैप पे देखते हैं कैसा है। तो फ्रोजन है ये मैप, इस पर जाएं तो आप देखेंगे कि मल्टी प्रॉन्ग अटैक रहा है रशिया का। ये यहाँ से रशियन एरिया है, ये देखिए बाउंड्री है इंटरनेशनल, तो ये इसमें लैंड है इनके पास, ये क्राइमिया एरिया का। तो ये नीचे की तरफ है, साउथ की तरफ, साउथ टू द यूक्रेन, होल यूक्रेन। तो उनके पास यहाँ पे आपको फोर्सेस लाने का, जिसमें कि आप मैकेनाइज्ड ब्रिगेड्स और ये सब लाने का, आर्मर आर्मर पर्सनल व्हीकल्स टैंक्स वगैरह यहाँ से आ सकते हैं। जो ट्रेडिशनली है रशिया के पास, ये अटैक शिप्स वगैरह तो होंगे, पर एम्फीबियस लैंडिंग वगैरह के लिए मुझे नहीं लगता उनको, मैंने कभी इतने ज़्यादा रिसोर्सेज देखे हो सकता होगा तो। पर ये अदरवाइज जो अटैक फ्रिगेट्स वगैरह है, उन्होंने इसकी ब्लॉकेट तो लगा ही दिया है यहाँ पे, और ये ओडिशा पे करेंगे। तो इस तरह से इस साइड से भी उन्होंने ब्लॉकेट लगाने की कोशिश की है। पर जो उनका है कि मल्टी प्रॉन्ग्ड अटैक यहाँ से हुआ है, खार्किव की तरफ से हुआ है, ये जो ईस्टर्न यूक्रेन का है इलाका, वहाँ पे उनके मर्सनरीज या उनके फेवर वाले लोग रहे हैं। पर उनका एक ड्रॉबैक है कि ये सारा जो है, बेलारूस भी मान लीजिए उनके साथ है, पर ये पूरा इधर वाला एरिया ये ओपन है, रोमानिया, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी वाला, ये सारे एरियाज बॉर्डर्स ऊपर है। तो कहीं से कोई वैसे एड आए या वेपन्स की, क्योंकि ये छोटे वेपन्स होते हैं, शोल्डर फायर्ड वेपन्स किसी तरीके के, तो यहाँ से उसको एक खुला फ्रंट है। तो ये सब जो है इसको बहुत दिक्कत कर सकता है, और देखिए क्या होता है। ये इसमें देखिए, ये पूरा रशिया है इस एरिया में, ये रशिया की बाउंड्री दिखाई गई है। तो बेस्ट चांस तो इनका यहीं से था कि यहीं से वो जल्दी से पहुंच जाते कीव और घेर कर, उनको लीडरशिप से प्रॉब्लम है, उसको न्यूट्रलाइज कर देते, या कोई एम्फीबियस अटैक बनाते यहाँ से। तो अभी तो वो अपना देखिए क्या अचीव करना चाहते हैं, कितने देर में करते हैं। इस जंग में अभी शुरुआती तौर पे रशिया अकेला है, जो वेस्टर्न जो है यूरोपियन यूनियन में, तो वो उस पर भारी पड़ना उसको मुश्किल रहेगा अगर वो पूरा इसमें आ जाता है, लड़ाई को लंबा खींचने की कोशिश करता है। तो ये रशिया इस टाइम पे अकेला है। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक करें, सपोर्ट करें, शेयर करें। थैंक यू।